राम राम, तुम इतना जो इतरा रहे हो, तुम्हारा राहु उच्च है, ये सोचकर खुश होते जा रहे हो। हाँ, मैं राहु को उपाय कर रहा हूं, अब मेरा राहु उच्च हो जाएगा और मुझे एकदम से धन की बारिश होगी और मैं करोड़ोपति बन जाऊंगा। आज मेरे राहु ने मुझे किस पोजीशन पर पहुंचा दिया, अब मैं किंग हूं, या मैं किंग बन जाऊंगा, या मैं उन्नति देख रहा हूं जो राहु की वजह से मुझे मिल रही है। इन सब बातों को लेकर आप हर्षित हो रहे हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनको राहु उच्च का या नीच का नजर आ रहा है, उन्नति नहीं हो रही। तो आज मैं आपको राहु के संदर्भ में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको जानकर अगर आप समझ गए ना, अपना अहम आगे ना लाकर, ठीक है ना, तो आपको ये राहु बहुत फायदा देने वाले हैं और आपके जीवन में जो एक समृद्धि है ना, वो चिरकाल तक स्थायी रहेगी। समझते हैं क्या? देखिए, राहु जो है वह आपके ससुराल के कारक हैं। मर्द के लिए उसकी औरत के माता पिता और औरत के लिए उसके मर्द के माता पिता, ये ससुराल बन जाते हैं, राहु बन जाते हैं। होता क्या है, हमारे इनके साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं या हम इन लोगों को पसंद नहीं करते। कई बार हम अपने आप में थोड़े मजबूत होते हैं, जैसे किसी मर्द की बात कर लूं तो वह अपने ससुराल वालों पर कई बार तीखी टिप्पणियां कर देते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको जलील किया जाता है, पत्नी के आगे उनका मजाक उड़ाया जाता है या बनाया जाता है, ये नहीं, या गालियां दी जाती हैं, नहीं। और जो पत्नी है वह भी कई बार लड़के के माता पिता को पसंद नहीं करती, सास ससुर को, तो उनके संदर्भ में बहुत कुछ बुरा भला कहती है या उनसे संबंध विच्छेद कर लेती है या खराब कर लेती है। तो ये दोनों पर लागू है, मर्द और स्त्री दोनों पर लागू है। अगर तो आप जिंदगी में उन्नति चाहते हो कि आप पर धन अच्छा आए उस परमात्मा की कृपा से, और जो आपकी किस्मत में परमात्मा ने लिखा है उससे बढ़कर आए, तो कभी भी अपने राहु जो कि ससुराल का कारक है, आपके सास और ससुर हैं, इनको अपशब्द नहीं कहने, इनके बारे में बुरा नहीं बोलना, इनसे आपकी सोच या विचार नहीं मिलते, तो भैया पीछे हट जाओ, चुप मौन धारण कर लो, बढ़िया रहोगे, ठीक है। विचार नहीं मिलते तो ऐसी प्रार्थना कर दें कि माता जी मेरे से आपकी सोच नहीं मिलती, आपको जो उचित लगता है वो आप करें, मैं ना आपको कोई सलाह दूंगा, लेकिन मैं आपका जमाई हूं या मैं आपकी बहू हूं, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ी हूं, ठीक है। तो ऐसा करने से एक आपकी जो मनोदशा बनेगी ना, ईश्वर में यानी कि शनि देव जो सबका फैसला करते हैं, वो सब पर पैनी नजर रख के बैठे, क्या कर रहा है कोई, ठीक है। और राहु तो पूरे सीसीटीवी कैमरे, ठीक है ना। तो अगर सास ससुर से बिगड़ेगी ना, तो ये राहु किसी काम नहीं आने वाला। मान लीजिए आज आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं या राहु देव आपको बहुत अच्छी पोजीशन में लेके जा रहे हैं, इन्होंने आपको चोट मारनी है अगर आपने ये खराब करके रखे हैं, मान के चलिए 100% रिटर्न में दे सकता हूं मैं, ये कोई भी आ जाए लिखा के दूंगा। अगर आपके ससुराल के साथ संबंध खराब है तो बुढ़ापे में आपको चोट मारेंगे, क्योंकि ससुराल बुजुर्गी का भी कारक है, बूढ़े माता पिता होते हैं दोनों के, तो जब आप उनकी उम्र में पहुंचेंगे पटक से चोट पड़ेगी। और आपकी औलाद, कहते हैं ना जिसका राहु खराब हो जाए उसका केतु अपने आप बिगड़ जाता है, ठीक है ना, बुद्धि खराब होगी, पैर अपने आप गलत रास्ते पे चलेंगे, तो बुढ़ापा जाके खराब, और बुढ़ापे के साथ साथ आपकी नर औलाद का भी जीवन सुखी नहीं रह पाता, उन्नति नहीं हो पाती। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई वैचारिक मतभेद है या आप अपने ससुराल को लेकर किसी बात को लेकर उनसे विचार नहीं मिला पाते, तो अपने संबंध खराब ना करें, जरूरत के समय साथ में खड़े होकर ऐसा जरूर कहें कि आपके साथ आपके हर सुख दुख में हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद हैं तो हमारा थोड़ा थोड़ा दूरी में रहना अच्छा है, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आपके राहु देव आपका साथ देंगे। और मैं ये कहूंगा, कई मैंने संदर्भ में देखा है कि कई
मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी ससुराल को यानी कि अपनी पत्नी के ससुराल को बहुत गालियां देते हैं, ये मत करें। अगर आप उन्नति चाहते हैं ना तो ये मत करें, अपनी जुबान में ताला लगा के रखें और जब भी कोशिश करें अगर कोई जरूरत पड़ गई तो उनके साथ खड़े रहें मौन धारण करके, ठीक है ना। आपने अपना ग्रह ठीक करना, अपने रिश्ते ठीक करने हैं, तो इधर से राहु के कितने उपाय कर लो, मंगल को शांत करने के मंगल के द्वारा कितने उपाय कर लो, रिश्ते तो खराब करके बैठे हो, वो भी राहु के साथ और राहु के समय में, कलयुग राहु का ही है, तो कहां भलाई होगी भैया। तो इस चीज को गंभीरता से समझो, मर्द और औरत दोनों ही ससुराल के साथ अगर उनका अच्छा नहीं कर सकते तो उनका बुरा भी मत सोचो, बुरा भी मत बोलो, अपने आप में अपने संबंध ठीक रखने की कोशिश करो जिससे कि आपको लाभ होगा, ठीक है। तो ये संदर्भ बताने का यही मतलब था कि हम कई बार अपनी हरकतों से एक तरफ तो राहु को खराब करते हैं और उपायों के द्वारा सोचते हैं कि हमें राहु का अच्छा फल मिले, ऐसा नहीं होता तो जानकारी के अभाव के कारण कष्ट में आ जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, आपको लाभ होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।